आमी जे तुमार तुमी जे हमार। अभी आपको लगेगा यार मैं यह गाना क्यों गा रहा हूँ, तो गाना गाने की एक वजह है जी भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 1, 2 आपने ऑलरेडी देख लिया है। 1 के अंदर थे अक्षय कुमार, 2 के अंदर थे कार्तिक आर्यन, और भूल भुलैया 3 की जो शूटिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कार्तिक आर्यन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी अपनी एक पोस्ट के जरिए। तो हाँ जी, इसकी फुल फ्लैश शूटिंग चल रही है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल जो कहानी है वो बंगाल की थी। विद्या बालन, जी हाँ विद्या बालन, जो कि ओरिजिनल भूल भुलैया के अंदर थी, उन्होंने दोबारा से एंट्री मारी है जी भूल भुलैया 3 के अंदर। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर तब्बू, तब्बू ने बहुत ही अच्छा काम किया था भूल भुलैया 2 के अंदर, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल भूतनी है मांजुलिका, तो तब्बू की परफॉर्मेंस को विद्या बालन से बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से विद्या बालन ने भूल भुलैया 1 के अंदर काम किया था। हालांकि हम मिस करते हैं अक्षय कुमार को और उसके साथ साथ परेश रावल को। तो जी हाँ, भूल भुलैया 3 के अंदर हमें 2 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। एक है जी उसमें नसीरुद्दीन शाह और दूसरे हैं जी बोमन ईरानी। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन भी हैं, और दोनों की कॉमेडी इस मूवी को लगा सकती है जी 4 चांद। और एक और नया चेहरा है जी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है जी, वो है जी तृप्ति तिमरी भाभी 2 एनिमल मूवी से, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। उन्होंने भी इस मूवी के अंदर एंट्री मार ली, हालांकि उनका क्या रोल होगा ये कुछ पता नहीं है। लेकिन बंगाल के अंदर शूटिंग चल रही है और 200 करोड़ बताया जा रहा है जी इस मूवी का बजट। तो एक बहुत ही बड़े बजट के साथ इस मूवी को बनाया जा रहा है, और होप ये जो फर्स्ट और सेकंड है उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन होगी और कहीं ज़्यादा हमें डराएगी। इसके बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग के साथ जो था आमी जे तुमार, जिसको कि हिंदी के अंदर मेरे डोल ना सुन बनाया गया था। एक चेहरे के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने एंट्री मारी है जी भूल भुलैया 3 के अंदर। देखिए जब बजट बड़ा होता है तो भी सारे नए कलाकार इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित जो कि एस्थेटिक लुक के अंदर बहुत ही बढ़िया लगती हैं, और क्योंकि ये कहानी थी राजा महाराजाओं की और रानियों की, तो इसके अंदर कोई ना कोई महारानी या रानी बन सकती हैं माधुरी दीक्षित। और आई थिंक बहुत ही परफेक्ट कास्ट है माधुरी दीक्षित की। और सूत्रों की माने तो एक खबर और आ रही है जी, वो खबर ये है कि इसके अंदर जो ये गाना था आमी जे तुमार, इसके अंदर हमें डांस फेस ऑफ देखने को मिल सकता है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन के बीच। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। तो जी दिवाली पे ये मूवी रिलीज होगी और मैं कर रहा हूँ इसकी बहुत ही बेसब्री से इंतजार। ये मूवी का मेरे साथ साथ शायद आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, तो देखते हैं कि कैसा होता है इसका ट्रेलर या टीजर, जो कि बहुत जल्दी शायद रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं जी दूसरी मूवी की, जो है जी शाहरुख खान किंग खान की जी सेकंड मूवी। जी हाँ, पहले मूवी किंग खान की नहीं थी, पहले मूवी थी सुहाना खान की, और किंग खान इसमें कर रहे थे एक छोटा सा कैमियो। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्यों कैसे किंग खान को ये लगा कि उनको एक फुल फ्लैज रोल करना चाहिए, तो किंग खान की ये फुल फ्लैज मूवी बन गई है जी, और मूवी का नाम भी है जी किंग। तो किंग खान तो किंग नाम रखा शायद इसलिए। पर सुहाना खान ऑलरेडी अपना डेब्यू कर चुकी हैं OTT प्लेटफॉर्म पर आर्चीज के अंदर उनकी एक्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी, लेकिन ये वाली उनकी थिएट्रिकल रिलीज होगी, यानी थिएटर्स के अंदर उनकी ये मूवी पहली मूवी होगी। तो किंग खान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने इसको अपनी एक फुल फ्लैज मूवी बना लिया है। और इसके अंदर अगर सूत्रों की माने तो कहानी कुछ रिवेंज को लेकर है, यानी कि सुहाना खान किसी तो रिवेंज लेने वाली हैं, जिसके अंदर शाहरुख खान करेंगे उनको ट्रेन। और देखते हैं कि ये मूवी कैसी होती है। और इसका जो बजट है वो 200 करोड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी किया जा रहा है, और खर्चा कर रहे हैं जी प्रोड्यूसर सिकंदर आनंद, और डायरेक्ट करेंगे सुजोय घोष। और सुजोय घोष जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, तो मूवी तो अच्छी बनेगी ही। लेकिन इस साल 2024 के अंदर जहां सलमान खान और शाहरुख खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही, 2025 के अंदर हमें देखने को मिलेगी शाहरुख खान की किंग मूवी अलॉन्ग विद टाइगर वर्सेज पठान, जिसके अंदर की होंगे सलमान खान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो करें एक लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को भी कर लो भाई साहब सब्सक्राइब, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, रब रखा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।